आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात मानी। मुझे पता था कि शर्मा चाची के मायके से शगुन जरूर आएगा और प्रीतो किसी ना किसी बहाने से सौम्या को ताना मारेगी। मैं सौम्या को यह एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि वो भी एक माँ है और उसे हर रिश्ते के बंधन में बांधना चाहता हूँ ताकि वो इसी दुनिया में रह जाए हमेशा हमेशा के लिए। हरमन, भगवान के बाद शायद तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो किन्नर और इंसान में भेद नहीं करते। सच कहूं तो सौम्या के लिए माँ की तरह कुछ करना मेरा सौभाग्य है। ऐसा मौका शायद ही किसी किन्नर को मिला होगा। इस मौके के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हरमन। मैं तो यही चाहूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ये खिलौने इस घर के वारिस के लिए सड़क से उठाए हुए किसी के पास के लिए नहीं है। वीरन, तुम सारे खिलौने ले जाओ, एक भी खिलौना यहाँ या छोड़ना नहीं, सब ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए। देखो खाली हो गया खेला खिलौने खाली हो गया खाली हो गया खाली हो गया जी दिन से छाट के रखा था जी एक एक खिलौना और रखे थे अपने पोते के लिए आज अपने हाथों से सारे खिलौने दे दिए जी ले जाओ ले जाओ ऐसे अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया ऐसे मैं वो औरत हूँ कलेजे के बिना जी सकती हाय कमरा खाली हो गया कल से मुझे आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है ना मेरे सहारा दिया मेरी जिंदगी में रखवट मेरी सुनी खोद बढ़ती सब दिया जिंदगी की सारी खुशियाँ थी एक अच्छा पूरी कर अब तुझसी है ना खिलौने का घर बार बंद कर दो इनको देख के परवान जाए उठते हैं बच्चे बलवान पूरे नहीं होते ना तो बहुत दर्द होता है जी बर्दाश्त नहीं होता है हमें ना पत्थर का कारोबार शुरू कर दो ठीक रहेगा पत्थर का कारोबार शुरू कर दो कोई अरमान ही नहीं होंगे 80 में पत्थर बन जाएंगे फिर जो हमारा बेटा है ना वो हमारा कलेजा काटे या कत्ल कर दे वो कोई फर्क नहीं पड़ना पत्थर बन जाते हैं हम भी पत्थर का कारोबार शुरू कर दो जी मुझे कोई अपनाए या ना अपनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है जी लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे को सब अपनाए हमने पैदा किया हरमन हरमन ने हमको नहीं पैदा किया हमसे है हरमन हरमन तो असीनियर है असी ओदे माई बाप गए वो हमारा माई बाप नहीं है सुन रही है तू टेंशन न ले टेंशन न ले सब ठीक हो जाएगा तू टेंशन न ले बस एक ब्रीथ जंग जीतने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं बस
सानू ना होना तरीका बदलना पड़ेगा। आज के बाद तू कसम खा हम अपने आंसू नहीं दिखाएगा अपने बच्चे को। मेरी गल सुन, मेरी गल सुन, मेरी गल सुन। देख माता रानी दे चरना ते ना हाथ रख के कसम खा ला। ये मैनू प्यार करनी है ना, मेरी कसम, मेरी कसम है तनु, मेरी कसम। अद्दे बाद अपने आंसू नहीं दिखाएगी, बस अद्दे बाद अपने आंसू नहीं दिखाएगी, बस बस बस। अरे पुत्र क्या पी सुरवी का सोए हैं वो दोनों, नानी ते नानी दी नाते। बे मैं सोच रहा हूँ कि सौम्या से गल करनी चाहिए। पुत्र अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए, सौम्या से की गल करनी है तुझे? एक सौम्या ही है जो सुरवी की जिंदगी को सही रास्ते पर ला सकती है। पर पुत्र तू जानता है ना कि सुरभि बहुत जिद्दी है, अगर उसने कुछ कर लिया तो। अरे बेबे तो फिकर ना कर, कुछ नहीं होगा। बस कैसे भी करके सौम्या तक ये बात पहुंच जाए कि सुरभि हमारे पास है और हरमन से तलाक लेना चाह रही है। उसके बाद सारा काम सौम्या कर देगी। वाह पापा, आखिरकार आपको दी की जरूरत पड़ ही गई ना। फिक्र है मुझे तेरी, और क्या करूं? इधर हम तुझे बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं तो वो कीजिए ना जिससे मुझे खुशी मिलती है दादी। अब ये सब करेंगे तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि मैं फालतू में ही घर आ गई, और कोई फिक्र भी करनी है आपको मेरी। सुरभि पागल हो गई है तू? दिमाग खराब है तेरा? अपने बाप के प्यार पे उंगली उठा रही है? तुझे पता है मनिंदर की जान बसती है तुझ पे। वो इस तरह का सलूक करता है अपने बड़ों के साथ? ऐसे दिल दुखाता है? मनिंदर उत्तर देखा। जानती हूँ नानी, आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि इसका थोड़ा सा असर दी की जिंदगी पे भी पड़ जाए। सीसी मिल रही है तुझे? एक अपने बाप को देख, हमारी तरफ तो कोई प्यार भरी निगाहों से नहीं देखता। खुशकिस्मत तो मैं हूँ जी, जो मुझे इनका साथ मिला। बच्चे कितने मासूम होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई औरत है या मर्द या फिर एक किन्नर। तो मैं इस बच्चे के लिए तुम सिर्फ इसकी माँ, वैसे इस बच्चे के साथ साथ इसका बाप भी बहुत मासूम है, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। आप घुमा फिरा कर सारी बात हम दोनों पर क्यों लेकर आ जाते हैं? अब मैं क्या करूं तुम बताओ, मुझे हम दोनों के अलावा और कोई टॉपिक पसंद ही नहीं आता। वो क्या चीज थी? हाँ, कि हर चीज हद में अच्छी लगती, सिर्फ एक तुम ही जो बेहद अच्छी लगती। छोटी का अभी तक कुछ पता नहीं चला है जी, कहाँ होगी, कैसी होगी? ठीक होगी, वो आ जाएगी। ऐसे कैसे आ जाएगी जी? और आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कहीं आप दोनों मिले हुए तो नहीं है ना? अरे यार सौम्या, कुछ भी बोल रही हो तुम। अच्छा मैं तुम्हें समझाता हूँ। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं समझना है, मैं जा रही हूँ किचन में काम करने के लिए। एक मिनट, तुम कहाँ जा रही? तुम्हें लगता है इतनी महाभारत में प्रीतो तुम्हें किचन में कदम भी रखने देगी? पर जो मेरा फर्ज है उसे तो मैं पूरा ही करूंगी। मैं फ्रेश होकर किचन में जा रही हूँ। लाबो, देखा कोई वैल्यू नहीं है यार,
यहाँ माचो मैन गुलाबों के साथ रोमांस कर रहा है, रोमांटिक बातें कर रहा है, और गुलाबो चली गई। यार तू ही समझा दे, मेरा यार गुलाबो कमाल हो यार। रावी आज मैं तुम्हारे साथ हूँ तो एहसास हो रहा है मुझे कि मैं कितना गलत। नहीं बलविंदर, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, I'm sure मैंने भी जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां की होगी। मुझे माफ कर दो, लेकिन एक प्रॉमिस जरूर करती हूँ, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। हम हमेशा ही हमारे साथ खुश रहेंगे। बलविंदर फोन उठाओ, कब तक अवॉइड करते रहोगे? कभी ना कभी तो उनका सामना करना पड़ेगा। आज नहीं करना। चलो फोन उठाओ। हेलो, क्या हुआ? क्या बोला पापा ने? पापा ने कहा कि अगर आज शाम तक नहीं आया घर, तो घर से बाहर निकाल दें और प्रॉपर्टी से बेदखल कर दें। के अकड़ू रहेंगे तुम्हारे पापा, कभी नहीं सुधरेंगे। उन्हें प्रॉपर्टी से निकालना है ना, बेदखल करना है तो कर दे, लेकिन उन्हें ये बात बोल देना कि मेरे बाबूजी के पास उनसे 3 गुना ज्यादा पैसा और प्रॉपर्टी है। तुम टेंशन मत करो, मैं बाबूजी से बात करूंगी तो मैं सदर पाऊंगी। छित्तर मिलेंगे छित्तर, पर आप लोग मांगना जरूर। वो क्या है ना कि हरक सिंह की प्रॉपर्टी के जितने ज्यादा दावेदार होंगे, मेरी लड़ाई उतनी आसान होगी। मम्मी जी, चाय मैं बना लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, पहले भी तो मैं ही बनाती थी ना जी, तो आज भी बना लूंगी, आप आराम कर लीजिए। हाँ कर ले, क्योंकि अगर तेरे मन की नहीं हुई तो तेरे हरमन जी आएंगे और सारा घर सर पर उठा लेंगे। कर ले चुका। मामी मामी, छोटू मुझे दे दीजिए, मैं इसका ध्यान रखूंगा, इसके साथ खेलूंगा। आप चाय बनाइए और मेरा वो चॉकलेट वाला दूध भी बना के मुझे दे दीजिए प्लीज। आप पक्का इन्हें संभाल लेंगे? हाँ। तो आप इनका ख्याल रखिए, मैं आपका चॉकलेट वाला दूध भी बना लूंगी। संभाल के संभाल के। कितना छोटा है और प्यारा भी है, पर मुझसे कम है। चल खेलते हैं। आज तो किचन में सौम्या चाय बना रही। कुछ ना कुछ तो खुराफात चल रही है माँ के मन में, अभी पता लगाती हूँ। चिंटू सुन, तू माँ के साथ जाकर मेरी दवा ले आना अंदर से। देख नहीं रहा है मैं बच्चे के साथ खेल रहा हूँ? अब समझ में आया कि माँ क्या करने वाली है। चिंटू बेटा, चिंटू बेटा, अच्छा चलो मैं आपको दे देती हूँ दवाई, ठीक है? यार गुड बॉय ना। चैन नहीं है ना तुम्हें? चलो चलो
क्या हुआ? कुछ नहीं जी। ये सब कैसे गिरा? वो हाथ से फिसल गया जी। पक्का? जी ठीक। नानी, ये लो आपकी मंगाई हुई दवाई।